हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ है ना। आज एक छोटा सा वीडियो, आज पढ़ाएंगे नहीं, आज कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा वीडियो उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो है एग्जाम है, एग्जाम हो चुका है, थोड़ा डिप्रेस है चीज़ों को लेकर, क्या होगा, या जिनका हो चुका है एग्जाम अच्छा है या बुरा है, जो भी है बेटा आप समझो इस बात को। उनके लिए कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए। तो आप एक चीज़ समझो कि जब आपका हार्डवर्क, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका हार्डवर्क जो है लक लक हार्डवर्क, अगर सारी चीज़ें, सारी गणित बोले अगर एक साथ है, एक फेज में है, तो आपका वही रिजल्ट अच्छा जाता है ना, उस 3 घंटे के एग्जाम में। अगर वही जो है आपके साथ नहीं बैठता है, सही से नहीं बैठता है, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कई सारी चीज़, कई फैक्टर्स होते हैं है ना, किसी कुछ प्रॉब्लम, किसी कुछ प्रॉब्लम्स रीजन है, जिसके साथ वो चीज़ सही बैठ जाती है, उस 3 घंटे में उसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है, उसका अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँ कि लाइफ में जो हार जीत होती है, वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। क्योंकि मुझे वो 2 लाइनें आज तक नहीं भूली विकास सर की, विकास सर जो कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो वो UPSC के है ना बहुत प्यारे टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं। और वो मुझे कुछ लाइनें बोलते हैं कि क्या ना, क्यों डरें जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरें जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा है ना, एक्सपीरियंस ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा है ना, लाइफ में क्या डरना। तो अपना बेस्ट करके आओ कल के एग्जाम में, जिनका कल का एग्जाम है, जिनका जब भी एग्जाम हो, जब भी कोई एग्जाम आप देते हो, तो अपना बेस्ट करके आओ। लाइफ हमेशा बार बार मौके देती है, लाइफ एक ऐसा खेल का मैदान है ना बेटा। जैसे आप समझो, आप सभी लोगों ने मैच खेला है, क्रिकेट है खेला है, मेरे पास है, मैं खेलता हूँ, कई बार अकेले भी खेल लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, तो आप सोचो कि आपका आपके लाइफ जो है ना, आपकी लाइफ जो है एक क्रिकेट के मैदान की तरह है, आप समझो, लेकिन उस मैदान में कोई विकेट नहीं है जब तक आप मर नहीं जाते ना, उसके अलावा कोई विकेट नहीं है, आप समझो, मतलब आउट होने का चांस ही नहीं है बिना मरे, मरने के अलावा है ना, बाकी हर टाइम पे चांस है आपको खेलने का और आपके जीतने का भी चांस है, क्योंकि पीछे कोई विकेट नहीं है। लाइफ में हमेशा पहली बॉल खेली डक हो गई, दूसरी बॉल खेली डक हो गई, तीसरी बॉल खेली, मतलब आप लगातार एग्जाम में फेलियर महसूस कर रहे हो। लेकिन अगर आप लगे रहोगे ना बेटा, आप कंटिन्यूअस लगे रहोगे, ऐसा तो होगा ना, एक बार शॉट पड़ेगा ही पड़ेगा और बाउंड्री के पार जाएगा सिक्स, और जो जिस टाइम पे सारी चीजें, सारा गणित है ना, सारा फेज एक ही फेज में आ गया आपके साथ है ना, वो जो है उसी टाइम पे आपका सिक्स लग जाएगा, और आप लाइफ में है ना सक्सेसफुली लाइफ को आगे है ना कंटिन्यू करोगे। एक चीज देखो, यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं, मैं कुछ लाइनें आपके लिए लिख के लाया हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कई बार की जो है आपसे मैं शेयर करूँ है ना। ये लाइनें वो हैं जो लाइनें मुझे मोटिवेट करती हैं है ना। तो जैसे मुझे पता था कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा है नहीं, है ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जो लड़ रहा है वो हार हुआ, उसको हार सकता ही नहीं है। तो आपके साथ जिन बच्चों का एग्जाम बुरा गया है, जिनको अच्छा गया है उनको और अच्छा करना है अगले एग्जाम में, जिनके साथ बुरा हुआ है, नहीं अच्छा गया है, उन्हें जो है क्या करना है, उन्हें उसे एनालाइज करना है और उसको फिर से है ना अगले एग्जाम में और अच्छा करना है। अगर फिर से बुरा होता है तो फिर से, लाइफ खत्म नहीं होती, यही एग्जाम सब कुछ नहीं है, लाइफ यहीं आके खत्म नहीं होती। मैंने बोला ना, लाइफ में पीछे विकेट है ही नहीं, जब तक आप मर नहीं जाते तो विकेट है ही नहीं, सोचो आप। इसका मतलब कंटिन्यूअस आप फाइट करते रहो, आप जीतोगे जरूर, मैं श्योर इस बात के लिए जो मैंने आपको बताया। इसके लिए मुझे जो है सोहन लाल द्विवेदी की एक लाइन आती है ना, खासकर जो बच्चे अभी असफल हुए हैं किसी एग्जाम में या किसी चीज में, उन्हें डर लग रहा है कि क्या होगा लाइफ में आगे अगर यही एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ध्यान से सुनो उस बात को। आप लोगों ने सुना भी होगा शायद है ना, वो बहुत बहुत प्यारी लाइन है, बहुत लोग उसे सुना चुके होंगे शायद, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, है ना। और उसकी आगे 2 लाइनें हैं कि जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक आपका हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए, जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो क्या कह रहा है, ये लाइनें भी सोहन लाल देवधर जी की लाइनें हैं, ये लाइनें भी यही सिखा रही हैं कि आप अपनी गलतियों को उसको पकड़ो, क्या कमी रह गई इस एग्जाम में उसको ठीक करो, फिर से लग जाओ, है ना। ओबियस है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो ये लाइनें कह रही हैं कि नीच चयन सब त्यागो तुम, आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाओ और अपने आप को एक बेहतरी के लिए और मेहनत करो, क्या कमी रहेगी उसको ठीक करो उसे। और आप अगर आप संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ते हो, ये संघर्ष ही है आप सभी का जीवन, है ना। ये जो स्टूडेंट का जीवन होता है वो संघर्ष का ही जीवन है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ अभी, है ना, तो वो जीवन संघर्ष का ही होता है। और संघर्ष की कहानी में क्या सुनाऊँ आपको मैं अपनी, है ना, मुझे तो सोच के समझ में आता है कि क्या जीवन था, है ना, कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ और क्या जीवन है आज, और उसको मैं इंजॉय करता हूँ, अपने संघर्ष को बहुत इंजॉय करता हूँ, अपने फेलियर को मैंने इंजॉय किया है, है ना। तो लाइफ में फेल होने पे भी मैं हंसा हूँ, है ना, तो अपने फेलियर को भी मैंने इंजॉय किया और फिर से मैंने फाइट किया है, कमबैक किया है। तो लाइफ लाइफ है, सिखाती है ये सब चीज़ें, है ना, धीरे सीख जाओगे जो झटके लगेंगे लाइफ में, ठीक है। इसके बाद क्या सीन है, मुस्कुराते रहा करो लाइफ में, ऐसा नहीं है जीवन ही खत्म नहीं हो रहा है, मैंने बोला ना ये क्रिकेट के मैच की तरह है। कुछ लाइनें और हैं यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उन्होंने बोला कि जब नाव जल में छोड़ दी, इन बच्चों के लिए जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं या आगे एग्जाम देने वाले हैं, अभी हमें देने वाले बहुत जल्द, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या, है ना। जब नाव जल में मोड़ दी तूफान में ही नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या, है ना। जब कह मृत को वरदान ही मरना लिया, जब ठान ही फिर जीत क्या फिर हार क्या, ये कहना चाहते हैं जब कल एग्जाम है, जब अपनी मेहनत आप कर चुके हो, जब एग्जाम में आप कूद पड़े हो, फिर क्या सोच रहे हो, है ना। जब एग्जाम में आप कूद पड़े हो तो तूफान में जब आप उतर गए हो, उस कंपटीशन के तूफान में उतर गए हो, आपने जिस डिसीजन लिया कि मुझे IIT करनी है, मुझे नीट करना है, मुझे UPSC करना है, मुझे SSC करना है, जिस दिन आपने आपको रेलवे में जाना है, आपको कहीं भी किसी जॉब की आप बात कर रहे हो, आपको प्राइवेट कंपनी में काम करना है, आपको कंपनी खड़ी करनी है ना, कहीं की बात करो आप, है ना। जब आपने डिसीजन ये लिया ना जिस दिन, उसी दिन आप तूफान में, आप नाव जल में छोड़ दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो संघर्ष का पार्ट है वो क्या है, तूफान, है ना। संघर्ष का जो पार्ट है वो तूफान और सिंधु, ये दिखाते हैं संघर्ष को, है ना। सिंधु की धार में इतना आसान नहीं है नाव चलाना, ये लाइनें बोलती हैं जब आप संघर्ष में उतर ही चुके हो, जिस दिन आपने डिसीजन लिया था उसी दिन आपका जो है आप नाव जल में आ गई थी। अब ये जो तूफान और सिंधु जो आप बोल जो लाइनें हैं, है ना, ये संघर्ष को दिखाती है कि संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे, है ना। उस संघर्ष से क्या डरना, फिर धार क्या मझधार क्या, क्या मझधार क्या, डूबना क्या, क्या हारना क्या जीतना, ठीक है। और बोल रहा है जब कह मृत्यु को वरदान ही, कि मृत्यु एक सत्य है, ठीक है, मैंने बोला ना आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप मर नहीं जाते, उसके अलावा कोई और चांस नहीं है, तो हारना तो है ही नहीं जीवन में, ठीक है। तो कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया, जब ठान ली, जब कूद ही पड़े हो, करना ही करना है, अपना बेस्ट करना है, फिर जीत क्या फिर हार क्या, है ना, बेस्ट करके आओ बेटा अपना, ठीक है। मत सोचो कि रिजल्ट क्या दिखाएगा, क्या शो करेगा, बेस्ट करके आओ। जिस दिन असफल होना मेहनत करने के बाद, जब आपको लगा बहुत मेहनत किया है फिर भी चीजें हमारे फेज में नहीं आई, हमारे रिजल्ट में नहीं आया, उस दिन मुस्कुराना कि जिंदगी अभी कितना, अभी कितने मजे लेने वाली है मेरी, ठीक है। ये जिंदगी अभी, ये मेरी लाइन है जो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि जिंदगी अभी कितने मजे लेने वाली है मेरे, है ना, अभी कितना संघर्ष में मुझे, है ना, चलाएगी। और मैं संघर्ष को एंजॉय करता हूँ, मैं संघर्ष में मुस्कुराता हूँ और उसके मुस्कुराहट के साथ उस पार्ट को फेस करता हूँ। मैं आपको भी यही सिखाऊंगा एक दोस्त की तरह, अब जिन बच्चों के लिए टीचर हूँ उनके टीचर की तरह, और किसी के छोटा हूँ तो ठीक है एक छोटे भाई की तरह। तो मैं यही चीज़ सिखाऊंगा कि लाइफ में कभी भी, लाइफ जो है ना, आपको हमेशा चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हमेशा नया रास्ता खुल जाता है, नई चीज़ें खुल जाती हैं। एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, बहुत सारे एग्ज़ाम है, लाइफ बार बार मौके देती है, नए तरीके से मौके देती है। मैंने बोला है बस तुम्हें पिच पे डटे रहना है, पीछे विकेट नहीं है कि आप आउट हो जाओगे, आउट तभी होगे जब गॉड चाहेगा, और गॉड तब चाहेगा जब आपकी, है ना, डेथ होगी। उसके अलावा, है ना, आप कभी हार नहीं सकते, आपके पास हारने के लिए कोई वजह ही नहीं बचती, है ना, यही बात है।
और सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात फिजिक्स की मैं आपको बताऊं। इस लाइनों में आप फिजिक्स पढ़े होगे, है ना, जब जानते हो दो कोहरेंट वेव होती हैं, दो कोहरेंट वेव, दो कोहरेंट वेव, दो कोहरेंट वेव सेम फेज में, जब सेम फेज में दो कोहरेंट वेव मिलती हैं, जब सेम फेज में दो वेव मिलती है, मान लो ये है, ये दूसरी फेज है, ठीक है, ये वेव है, दो दो सेम फेज की वेव है, अगर ये आपस में मिल जाए तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और ये आपका जो एम्पलीट्यूड है बढ़ जाता है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये है आपका हार्डवर्क, ठीक है, ये है आपका हार्डवर्क, और ये है आपका उस तीन घंटे थ्री आवर्स का टाइम, थ्री आवर्स टाइम का जो एग्जाम है ये है। अगर ये दोनों सही बैठ गए कि आपने जो हार्डवर्क किया वो पूरे तीन घंटे में काम आ गया पूरी तरह से, पूरी तरीके से, है ना, सब कुछ सही बैठ रहा है, कहते सारी गणित सारी चीजें सही बैठ रही हैं, है ना, सब कुछ सही बैठ रहा है, आपका लक आपका सब चीजें सब कुछ सही बैठ रहा है, तो जानते हो क्या होता है, तो आपका रेजोनेंस होता है, और जब रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, इंटेंसिटी इसके स्क्वायर होती है, और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जीत में चली जाएगी। और यही चीज जब अपोजिट फेज में हो जाता है कि आपका आपका ये तो हुआ लेकिन फेज अपोजिट हो गया, फेज अपोजिट हो गया, अगर ऐसा हो गया तो यही चीज क्या होता है कि आपके पास ना डिस्ट्रक्टिव लाइंस बन जाती हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, बोल सकते हैं कम हो जाता है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि कम हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज रिजल्ट सही नहीं मिलता है, यही फेलियर है, ठीक है, आपका हार्डवर्क वो थ्री आवर्स वाला टाइम है ना, ये सही नहीं बैठा, सही फेज में नहीं था, यही फेलियर है। तो बस करते रहो मेहनत, जिस टाइम पे सही फेज में आ जाएगी उस टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं, और परेशान मत हो, कल का एग्जाम दे के आओ, जिनका कल का एग्जाम है, जिनका 31 को, जिनका 1 को है, या जिनका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी आईएएसएससी जो भी एग्जाम आप देते हो, उन सभी के लिए मेरा मैसेज है एक दोस्त की तरफ, है ना, कि अपना एग्जाम दो, अपना बेस्ट करो, करते रहो, लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलो, आप विश्वास रखो उस गॉड पे, एक दिन सब कुछ अच्छा होता है, है ना, मैंने इसे विश्वास करके काम किया है, और मुझे पता है एक दिन लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, है ना, मुझे भरोसा है इस बात का, और मैं अभी भी उस संघर्ष के पार्ट से में हूँ, और लगातार उसमें मेहनत करते चला जा रहा हूँ, और मुझे पता है एक दिन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना, इस बिलीव के साथ अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप पे, है ना, ऑल द बेस्ट सबको, जो भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना, इन्जॉय करो, अपनी जर्नी को इन्जॉय करो, अपनी लाइफ को इन्जॉय करो, है ना, ठीक है, मिलते हैं क्लास के अंदर, क्लास में जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, है ना, ठीक है, इस तरह चलो, बाय बाय।